यूं तो पुलाव आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से पुलाव तैयार करने वाले हैं। और इस टेम्पटिंग से पुलाव को हम सर्व करेंगे वेजिटेबल रायते के साथ, यानी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पुलाव को और रायते की रेसिपी को। तो चलते हैं दोनों रेसिपीज की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज की रेसिपी के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 कप चावल, जिसे मैंने अच्छे से धोने के बाद में 1 कप पानी में भिगो दिया है। हमें चावलों को कम से कम आधा घंटे के लिए भिगोना है, और जिस पानी में हमने चावलों को भिगोया है उसी नाप के पानी में हम चावलों को बनाएंगे, और हमारे पुलाव को बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट और बहुत ही अच्छा सा कलर देगा हरा धनिया। यहाँ पर हरी धनिया की क्वांटिटी है 1 कप, और इसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी लहसुन और अदरक। आप चाहें तो लहसुन स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सी के जार में मैं हरा धनिया, मिर्ची, अदरक और लहसुन को पीस लूँगी। इन चीज़ों को पीसते हुए हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर इन्हें पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी सारी चीज़ें पिसकर एकदम तैयार हैं। और अब एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून देसी घी, और घी थोड़ा गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पनीर। पनीर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें सेक लूँगी। तो पनीर यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और अब मैं इसे पैन से बाहर निकाल रही हूँ। और जितना घी पैन में बचा है उसी में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जीरा, और यहाँ पे जीरा अच्छे से भुन चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। मैंने एक बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक एकदम स्लाइस कर लिया है, और प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करें, और गैस की फ्लेम को अभी हमें लो पर ही रखना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ हरा धनिया। लगातार स्टर करते हुए हमें सारी चीज़ों को भूनना है, और हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि जो धनिए में पानी है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाला ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा पानी। पानी हमें इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर अभी कम करना है, और क्योंकि हम इसमें दही ऐड करने वाले हैं, और अगर आप गर्म मिक्सचर में दही डालेंगे तो दही के फटने के चांसेस हैं। इसलिए दही ऐड करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इसका टेम्परेचर कम कर लें। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है 1/2 कप दही। इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम ऑफ कर दें, और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम वापस से फ्लेम को ऑन कर देंगे, और लो फ्लेम पर सारी चीज़ों को तब तक चलाते रहें जब तक ये मिक्सर दोबारा से ड्राई ना हो जाए। और एक बार जब ये मिक्सर ड्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर, जिसको कि हमने पहले तल के रखा था। और पनीर के बाद में अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चावल। चावल और पानी की क्वांटिटी हमें इक्वल रखनी है, यानी अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो 1 कप पानी का यूज़ करें। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। और अभी हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है, और साथ ही हम पैन को लिड से ढक देंगे। मैं इसमें अभी मटर भी ऐड करने वाली हूँ, लेकिन मैं मटर थोड़ी देर में ऐड करूँगी, और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर हम मटर अभी इसमें ऐड कर देते तो मटर का कलर ख़राब हो जाता, और थोड़ा बॉईल होने के बाद में जब हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे तो उसका कलर बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मटर ऐड करने के बाद में एक बार अच्छे से मिक्स करें, और वापस से हम पैन को ढक देंगे, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल पककर तैयार नहीं हो जाए। बीच बीच में हम चावल को स्टर करते रहेंगे, और अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तब आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे जो नाप मैंने आपको बताया है वो इस रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट है। और जब तक पुलाव बनकर तैयार होता है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं रायते की। रायते के लिए 1 कप दही में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बारीक कटा हुआ खीरा, 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, और 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज। और रायते के कलर को एनहेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करें, साथ ही इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, और थोड़ा सा इसमें हम भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और ये लीजिए हमारा फटाफट से वेजिटेबल रायता बनकर एकदम तैयार है। और जितनी देर में हमने रायता बना के तैयार किया है उधर हमारा पुलाव भी एकदम तैयार है। और इसका लेड हटा के देखते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और एक बार हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एडिशनल थोड़ा सा ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं। और बारी आती है इस गर्म गर्म पुलाव को रायते के साथ सर्व करने की। और ये देखिए हमारा पुलाव कितना बढ़िया बना है, एक एक जो चावल का दाना है वो खिला हुआ है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।